नमस्कार, आप देख रहे हैं डाबरा समाचार 24। इस समय जो है उत्तर प्रदेश में नगर जो है निकाय चुनाव का जो है घोषणा हो चुका है और तमाम जो है पार्टियों के प्रत्याशी अपने अपने प्रचार प्रसार में लग चुके हैं। तो हम भी अपनी टीम लेके जो है निकल चुके हैं हर नगर पंचायत का जो है सर्वे करने के लिए कि कहाँ पे क्या माहौल चल रहा। तो यही सर्वे करते हुए गोरखपुर के दक्षिणांचल में गोला नगर पंचायत में हम लोग पहुंचे थे। तो यहाँ पे एक प्रत्याशी कांग्रेस जो ऑटो से जो है अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं उनसे जो है मिलने के बाद हम आगे ही निकले थे कि एक और जो है सभासद जो है पद के प्रत्याशी जो हमको मिल गए जिनकी बहुत ही ज्यादा पीड़ा थी। जब उन्होंने अपनी पीड़ा बताई तो हम जिस रूट पे जा रहे थे उसी रूट पे वो भी जा रहे थे। तो हमने अपनी गाड़ी में उन्हें बैठा लिया और इनसे जानते हैं कि इनकी क्या क्या समस्या है। इन्होंने बहुत कुछ बताया लेकिन मैं चाहता हूं कि लाइव कैमरे पे जो है इनसे जाना जाए कि इनकी क्या समस्या है। और इनका अगर मैं परिचय दे देता हूं कि ये जो है समाजवादी पार्टी के जो है चिल्लू पर विधानसभा के उपाध्यक्ष है। तो सबसे पहले जो है इनका नाम जानते हैं, क्या नाम है आपका? इम्तियाज अहमद मेरा नाम है। इम्तियाज अहमद, तो अभी जो है आप सभासद पद के जो है प्रत्याशी की जो है तैयारी कर रहे थे, तो इसमें क्या जो है दिक्कतें आई आपको? सभासद पद की प्रत्याशी मेरी शुरू से थी जी। और जब ये आरक्षण लागू हुआ है सभासदों का जी, तो उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के आरक्षण के हिसाब से यहाँ पे 2 तारीख को आरक्षण लागू हुआ जी। उसमें यहाँ टोटल गोला नगर पंचायत में 19 वार्ड और 19 वार्डों में सिर्फ एससी और एसटी के लिए 6 वार्डों का वो भी सिलसिलेवार लगातार आरक्षित किया गया, जो पूरे प्रदेश में कोई भी ऐसा नगर निकाय नहीं है जहाँ पे लगातार सीटें आरक्षित की गई और वो यहाँ पे हुआ, यही सबसे बड़ी पीड़ा। तो देखिए, नगर पंचायत के वार्डों का जो आरक्षण का मामला है ये कांग्रेस के जो है चेयरमैन पद के जो प्रत्याशी थे उन्होंने भी उठाया था और इनके साथ भी यही समस्या है। तो ये मतलब जो आरक्षण का मामला है तो ये आखिर किन लोगों ने, क्यों आखिर ऐसा जो है? ये देखिए, पूरे प्रदेश में आप अगर भ्रमण करेंगे और जितने भी वार्ड आरक्षित किए गए हैं उनका जब एनालिसिस करेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादियाँ ज़्यादा हैं और वहाँ वहाँ सीटों को सरकार के द्वारा अपने तंत्र को लगा करके आरक्षित किया गया जबरदस्ती की, ताकि मुस्लिम जो नेतृत्व है वो आगे ना जा पाए। मिसाल के तौर पे अब अगर नगर पंचायत गोला का देखा जाए तो 19 वार्ड में 22.5% के आसपास एससी और एससी दोनों मिलाकर के आरक्षण होना है, और अगर हम 22.5% निकालें 19 का तो संभवतः 4 सीटें एससी एसटी के खाते में जानी चाहिए, और यहाँ पे हमारे यहाँ लगभग 6 सीटों को आरक्षित किया गया है। अच्छा, मामला ये है कि मतलब अगर जो है नियम से देखा जाए तो आपका जो है 4 ही सीट जो है 19 सीट में से जो है आरक्षित होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 6 सीट की गई, मतलब जबरदस्ती 2 सीट जो है जबरदस्ती 2 सीट बढ़ा दिया गया वहीं पे। आप ऐसे ही तो ये जो 2 वार्डों को बढ़ाया गया आरक्षित किया गया है तो इसमें मतलब मुस्लिम आबादी जो ज्यादा है? हाँ, मुस्लिम आबादियां अधिक है, काफी अधिक है। लोगों को संभावना ही नहीं थी, कोई सोचा ही नहीं था कि ये वार्ड आरक्षित हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ एससी और एससी के लिए 6 वार्डों को आरक्षण किया गया और ओबीसी के लिए 5 वार्डों को आरक्षित किया गया है। हालांकि 27% ओबीसी के लिए आरक्षण है, तो अगर 27 को 5 मिल रहा है तो फिर 22 को 6 कैसे मिल गया? और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखें तो साफ साफ ये जाहिर किया गया है कि किसी भी क्षेत्र में आप 50% से अधिक आरक्षण नहीं दे सकते, और यहाँ पे आप ऐसे ही जान लें कि 19 सीटों में 11 सीटों को आरक्षित कर दिया गया, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी खिलाफ। हाँ, तो देखा जाए ये अगर जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो इसकी कहीं ना कहीं जो है अवहेलना हो रही है कि एक 22% वाले को जो है 6 सीटें दे दी जा रही हैं और जो 27% है उनको 5 सीटें दी जाए। अगर आरक्षण की बात की जाए तो इसमें देखा जाए कहीं ना कहीं जो है खेला जो है खेला गया इस जो है नगर पंचायत में, पूरे प्रदेश में खेला गया। अच्छा, ये पूरे प्रदेश में और सबसे ज्यादा शिकार ये नगर पंचायत गोला हुआ है इसका। अच्छा, जिसमें सबसे ज्यादा शिकार नगर पंचायत गोला हुआ है, तो जिस वार्ड से आप तैयारी कर रहे थे वो भी जो है वो आरक्षित हो गया है, उसके लिए हमने आपत्ति दाखिल की है 3 तारीख को। सुरक्षित हुआ? मैंने आपत्ति दाखिल की है उसके लिए जी। वो एससी के लिए आरक्षित हो गया है। अच्छा, एससी के लिए आरक्षित हो गया। तो इसके अभी आप जो है कहाँ मतलब गए हुए थे? 2 तारीख को आरक्षण का आदेश हुआ
और 3 तारीख को सबसे पहले मैं डीएम आवास पे उसकी आपत्ति दाखिल किया मैंने, और फिर उसके बाद अपने साथियों के साथ 5 तारीख को फिर हम लोगों ने आपत्ति दाखिल की। और हमारे डीएम साहब से क्या आपने मुलाकात किया? नहीं, डीएम साहब से मुलाकात नहीं हो पाई, काफी लेट हम लोग पहुंचे थे, गालिबन 4 बजे के बाद, तो डीएम साहब से मुलाकात नहीं हो पाई। और उसके बाद फिर 5 को हम लोग गए, 5 को भी डीएम साहब से मुलाकात नहीं हो पाई। और लगभग सभी लोगों में रोष है, पूरे वार्ड के जितने भी लोग हैं, चाहे वो वोटर्स हों या प्रत्याशी हों, सभी लोगों में रोष है। लगभग 60 से ज्यादा आपत्तियां सिर्फ नगर पंचायत गोला के वार्ड नंबर 6 से पड़ी। तो देखिए, ये जो बहुत बड़ी जो है कमी देखा जाए, अब इसमें जो है सरकारी तंत्र का है या सरकार की है, किन लोगों का है या नेताओं की है, किसकी मिलीभगत से जो है इस तरह का जो है खेल खेला गया है नगर पंचायत गोला में, इसकी जो है जांच होना बहुत जरूरी है। और अगर जो है ये गलत किया गया है तो इसमें जो है कहीं ना कहीं संशोधन की जो है आवश्यकता है। तो अभी जो है आपकी क्या तैयारी है, क्या मतलब आप आगे जो है कदम उठाने वाले हैं? इंतजार हो रहा है, आज 9 तारीख को आखिरी डेट था आपत्ति का, उसके बाद से आपत्ति का निस्तारण होना था। तो आज रविवार है और पिछले दिन शनिवार था, तो दोनों दिन बंद हैं। हो सकता है सोमवार को कोई अधिसूचना जारी हो, अगर नहीं होता है तो फिर हम माननीय हाई कोर्ट की तरफ रुख करेंगे। अच्छा, अगर इसमें जो है अगर कोई भी जो है अगर निस्तारण नहीं किया गया, आप लोगों की जो है आपत्ति को सुनवाई नहीं किया गया, ध्यान नहीं दिया गया, तो आप जो है हाई कोर्ट तक जाने के लिए तैयार हैं? हाँ, तैयार हैं, क्योंकि नगर पालिका अधिनियम 1916 के अंतर्गत भी अगर आरक्षण को देखा जाए तो उसके भी खिलाफ है, और माननीय उच्चतम न्यायालय के भी आदेश के खिलाफ है। तो हम जाएंगे और हाईकोर्ट की शरण लेंगे और माननीय हाईकोर्ट से न्याय की उम्मीद करेंगे। जी, तो देखिए, बात तो बिल्कुल इनकी सही है, आरक्षण तो मिलना चाहिए, लेकिन आरक्षण का जो तय किया गया है प्रतिशत, उस प्रतिशत से जो है आरक्षण जो है सबको मिलना चाहिए। अगर उससे जो है उठ के या तो कम किया जाए या ज्यादा किया जाए तो ये बिल्कुल बाकी लोगों के साथ गलत है। तो हम जो है सरकारी तंत्र से, प्रशासन से जो है यही कहना चाहेंगे कि इस मुद्दे की जो है जांच होनी चाहिए, इन बातों पे जो है ध्यान देना चाहिए कि आखिर इनमें कहां से जो है गलतियां हुई हैं, आखिर जो है किस तरह से जो कैलकुलेशन किया गया कि आरक्षण जो है गलत तरीके से, जो 27% है उसको जो है 5 वार्ड मिले और जो जो है 22% है उसको 6 वार्ड आखिर कैसे मिला, कहां से जो है ये गलतियां हुई हैं? सबसे पहले तो ये मान के चलिए कि सबसे पहली प्रक्रिया ये थी कि जब इन्होंने जातिगत समीकरण के हिसाब से आरक्षण लागू किया, जातिगत आंकड़ा जब लॉन्च किया इन्होंने, तो गोला नगर पंचायत का 13 तारीख को लॉन्च हुआ और दिन शुक्रवार था, और उसके बाद 14 तारीख को भी सारे ऑफिस बंद थे, और 15 अगस्त होने के कारण और रविवार होने के कारण भी बंद थे। और जब वो आया तो सिर्फ 2 दिन की मोहलत दी गई कि आप आपत्ति दर्ज कराए नगर पंचायत में, और दोनों दिन बंद थे ऑफिस सरकारी। देखिए, एक जो है आरोप और कि जिस दिन आपत्ति देने का जो है डेट था वो दोनों दिन जो है ऑफिस बंद थी। तो ज्यादा बातें नहीं करेंगे, आप देख रहे थे जो है एडवोकेट इम्तियाज साहब को जो है, जो सभासद प्रत्याशी थे, किसी कारणवश जो है अभी इनकी सीट अगर जो है आपका जो है SC के लिए जो है आरक्षित की गई है तो ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हाँ, अगर उस पर जो है सरकार ने जो है विचार किया तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये सभासद प्रत्याशी हों। तो कैमरामैन नौशाद खान के साथ मैं महताब खान, डाबरा समाचार 24, धन्यवाद।